तूफानों से आंख मिलाओ, अरे सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और ऐसे ही एक ज्वलंत उदाहरण हमारे साथ हैं, माननीय जिनेंद्र जी शास्त्री। जिनेंद्र जी, आपका hyderpro.com में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेंद्र जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के राजस्थान अध्यक्ष, और इसके साथ साथ ही फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास समिति और छात्र निधि कोष के सदस्य एवं रोडवेज व्यापार संघ के भी अध्यक्ष। कैसे आप इतने सारे दायित्व को कैसे जो है निर्वाह करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब जब मीटिंग होती है, जब जब कार्यक्रम होते हैं जी, उस समय जो भी संगठन का कार्यक्रम होता है वो पूरा पूर्व नियोजित होता है और बिल्कुल विधिवत। जैसे एक बच्चा अपना टाइम टेबल बनाता है पूरा दिन भर का, वैसे हम लोग भी अपना एक पूरी दिनचर्या के अंदर जो जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है वो हम उसको बनाते हैं और विधिवत चलाते हैं। ऐसे कोई तो कुछ ही संगठनों में, और भी ऐसे कई लोग हैं जो कई संगठनों में होते हैं फिर भी वो अपना काम करते ही हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, सुबह जल्दी उठ जाना जी, उसके बाद में उठते ही स्नान करने के बाद सर्वप्रथम हमारे मंदिर जाने का नियम है जी, मंदिर जाकर ही भोजन करना। अच्छा। और सुबह जब भोजन करने का, मंदिर जाने के बाद जब भोजन का कार्यक्रम हो जाता है, फिर बैठकर 10 मिनट कमरे में तय करते हैं कि आज क्या क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ जाना है, उसकी पूरी एक थीम बनाते हैं दिमाग के अंदर और उस प्रकार पूरे दिन भर का कार्यक्रम करते हैं। उसमें हमारा, मेरी रात्रि में जो मेरी PhD चल रही है उसको भी मैं बराबर देखता हूँ, परिवार को भी देखते हैं और व्यापार को भी बराबर करते हैं। और मेरा नवरत्न का जेमसन ज्वेलरी का बिजनेस है, तो सब प्रकार से बिल्कुल विधिवत ये कार्यक्रम दिन भर के बनते हैं। उसके लिए प्रमुख मैं आपके इस आयोजन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी दिनचर्या विधिवत होगी तो हमारे सब काम विधिवत हो जाते हैं। मैं चाहूंगा जिनेंद्र जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उस पर आप अपना प्रकाश करें। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जो भी हूँ उसका श्रेय मैं मेरे माता पिता को देता हूँ। और पिताजी पूर्व में मेरे सिविल कॉन्ट्रेक्टर थे जी, आज हमारा ज्वेलर्स का बिजनेस है जी। बड़े भाई हैं मनोहर जैन, भाभी जी है, एक भतीजा है, बहन है जी, मेरी एक गुड़िया है और एक खाली में गुड़िया और भी है। और धन्यवाद। और मैं PhD कर रहा हूँ जी, प्राकृत विषय पे। मेरी धर्मपत्नी भी PhD कर चुकी है जी, सबमिशन। और गुड़िया है प्रांजल, एक गुड़िया और है, सब मिला के भरा पूरा परिवार है और बड़े आनंद से हम रहते हैं, बड़ा आनंद आता है अच्छी तरीके से। हम राजनीति से काफी जुड़े हुए हैं, अक्सर मीडिया में भी चर्चा में रहते हैं, कई बार अखबारों की मेन जो न्यूज होती है उसके भी आप हिस्सा बनते हैं, तो केवल ये न्यूज का हिस्सा बनने के लिए ही ये सब कदम उठाए जाते हैं या कोई इसके पीछे कोई दायित्व होता है या कोई आपका विशेष उद्देश्य? देखिए, क्या होता है कि जब जनहित की समस्या उठाई जाती है जी, तो मीडिया उसको प्रमोट करता है जी। एक कोई केंद्र में काम हुआ, अगर मीडिया में ही आने का होता विषय तो विज्ञप्तियां दे देते और अखबार में नाम आ जाता। लेकिन युवा मोर्चा शहर जिला जो भी कार्य करता है वो जनहित से जुड़ी समस्या को उठाता है। जैसे अभी हमने पूर्व में उदयपुर को नगर निगम बनाने के लिए 453 फीट का बैनर बनवाया था, तो ये ऐसा विषय था जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो मीडिया को कवरेज करना ही था। और युवा मोर्चा जितने भी कार्य करता है वो जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को करता है, वो सिर्फ समस्याओं को पब्लिक को दिखा देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, समस्याओं का समाधान करना और वो जनता के बीच में पहुंचे। और जनता का जो सपोर्ट मिलता है तो वो मीडिया का हिस्सा बनता है और मीडिया को लगता है कि हाँ ये चीज उठाने की थी तो मीडिया उसको उठाता है। पूर्व में भी एक खबर आई थी कि सरकारी ब्लड बैंक प्राइवेट ब्लड बैंक के खून नहीं लेंगे, तो युवा मोर्चा ने जब इसको पढ़ा, देखिए कोई भी चीज आएगी तो अखबारों के माध्यम से जी, उस देखिए कोई व्यक्ति है उसने ऊंट को बांधा तो उसने ऊंट को बांध दिया तो वो ऊंट बंधा हुआ है, लेकिन ऊंट जब तक खुलेगा नहीं तो वो जाएगा कैसे? मीडिया ऊंट को बांधता है, मीडिया किसी चीज को रखता है और मीडिया ही उसका वापस बताता है। इसलिए पूरी मेरी टीम जो है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो टीम है वो बहुत अच्छी है, बहुत डेडिकेट है और बहुत मित्र भाव के साथ जो हम रह रहे हैं, तो ये एक खबर का हिस्सा हमेशा बनती है और जो भी समस्या होती है उसका समाधान युवा मोर्चा हाथ में लेता है और उसको करता है और पब्लिक से रिलेटेड ही समस्या हमेशा उठाते हैं और उसको दूर करते हैं। ये युवा मोर्चा का प्रथम कार्य है। साथ ही जो राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद जी कटारिया,
उनका पूरा पूरा आशीर्वाद रहता है और प्रत्येक समय वे कार्यों को स्वयं देखते हैं और उसको जो भी हमारी कमियां रहती है उनको बताते हैं और कमी के लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं ताकि वो उनको दूर करें और जैसा जैसा व्यवस्था वो बताते हैं वैसे वैसे मार्गदर्शन में उनके काम करते हैं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के शार्दुल अध्यक्ष दिनेश जी पटेल भी हमको समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं और अच्छा कार्य आज युवा मोर्चा का उदयपुर जिले में तैयार रखा है।